हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमारा सीरियल चल रहा है और आज हम इंटीग्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। समझ लीजिए कि यह इंटीग्रेशन का सब कुछ है। इस टॉपिक के बिना इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं। आप बोर्ड में देख रहे होंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। लास्ट टाइम मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो डिस्कस किया था कि निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको खंडशः समाकलन पढ़ना जरूरी है। खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आज हम स्पेशली उसके लिए एक अलग से क्लास दो पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये पार्ट फर्स्ट है, आज मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और सेकंड पार्ट इसके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के कलेक्शन पर बेस्ड होगा। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट्स को इस वीडियो का इंतजार रहा होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलस की पढ़ाई करते रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से यह लगा होगा कि सर ने अभी तक खंडशः समाकलन क्यों नहीं पढ़ाया। एक्चुअली पढ़ने का प्रॉपर आर्डर यही है, आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो पहले इंटीग्रेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमको यहाँ अप्रोच करना चाहिए। कई राइटर लोग इसको पहले भी लिख दे रहते हैं, लेकिन खंडशः समाकलन आपको तब समझ में आएगा जब आप समाकलन का इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में खंडशः समाकलन होता क्या है। क्या है खंडशः समाकलन? देखो, यदि हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इस फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दो फंक्शन हो। यहाँ पर आप देखो, ये पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा फंक्शन है। जैसे डिफरेंशिएशन में अवकलन में हमने पढ़ा कि जब दो फलनों का गुणनफल होता है तो उसका फार्मूला होता है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का, उनके गुणा का समाकलन होता है, जिसमें यदि हम u को फर्स्ट फंक्शन मान लें और v को सेकंड फंक्शन मान लें तो सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला लर्न करेंगे कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए, हालांकि वह डिफरेंशिएशन इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको इसको बहुत ध्यान समझना है। सबसे पहले मैं फार्मूला पर ही कंप्लीट डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर फार्मूला को अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस पर मैं आज डिस्कस करूंगा। ये सबसे आपको पहले समझना है। तो u इंटू वी डी एक्स में फर्स्ट फंक्शन u सपोज किया हमने, सेकंड फंक्शन v को, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माने पहला फलन को लिख लेंगे और इंटू करेंगे दूसरे फंक्शन का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब u पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा ये वाले फंक्शन का, और दूसरे फंक्शन का समाकलन होगा वी डी एक्स, और इस पूरे का ये समाकलन होगा जो मैंने पहले से निशान लगा दिया था, ये इसका फार्मूला है। एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इसका फार्मूला है। तो अब आप स्वाभाविक रूप से सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो कुछ डिफिकल्ट काम है नहीं, जहाँ जहाँ यू है वहाँ यू, जहाँ भी वहाँ पर भी का वैल्यू पुट अप कर देंगे और आसानी से हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमको एक बात पता है कि डिफरेंशिएशन तो हम सब फंक्शन का आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज हमारे पास कोई सेकंड फंक्शन भी ऐसा है जो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन करना है, और इन दोनों जगहों में उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में हमको फंक्शन सेलेक्शन करने में परेशानी होती है। देखिए, मैं इस पर डिस्कशन करने के पहले
आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सामान्य से एक एग्जांपल, मैं जनरल डिस्कशन करने के बजाय एक एग्जांपल के हेल्प से आपको ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया, सपोज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये मैंने ले लिया एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब नेचुरली जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलेगा, हम इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको हमने सेकंड सपोज कर लिया और ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको u, इसको v के फॉर्म में फार्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो u मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हमने लिख दिया साइन एक्स डी एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन, ऐसा हमने लिख दिया। क्लियर? अब आगे लाइन में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इक्वल साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, माइनस x इंटू कॉस एक्स और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x का, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 हो गया, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x, माइनस को बाहर करके इसको प्लस कर दिया और ये हो गया कॉस x dx। अब कॉस x का हम दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस x इंटू कॉस x प्लस, यहाँ कॉस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन x, ये हो गया साइन x और प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये बहुत आसान काम है, आपने देखा x इंटू साइन एक्स डी एक्स को हमने इंटीग्रेशन किया, जो पहले नंबर में था उसको u ले लिया, इसको u ले लिया और इसको v ले लिया और इसको हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? अब देखो, सपोज इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जो बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसको, जो पहला मेरा डिस्कशन है फार्मूला पर जो डिस्कशन है वह इस कॉन्सेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट फंक्शन के प्रॉपर सेलेक्शन नहीं कर पाने के कारण ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे ढंग से आपको लिखता हूँ, उसी क्वेश्चन को, सपोज इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये लिख दिया, साइन एक्स को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने किया पहले को तो हम यू लेते हैं, यू ले लिया और दूसरे को भी लेते हैं, भी ले लिया। अब चलिए हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। दैट इक्वल्स यू, माने यू क्या है, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी मतलब हो गया एक्स इंटू डी एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि साइन एक्स है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो कि एक्स है और इसका होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ओके, दैट इक्वल, अब यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये हमने उसको बाहर लिख दिया, माइनस को प्लस, ये तो अभी डिफ्रेंशिएशन हो रहे हैं ना, ये माइनस रहेगा, साइन का कॉस हो गया, ये हो गया कॉस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स, ये हो गया। अब समस्या यहां पर क्या आ गया, देखो अब समस्या को थोड़ा ध्यान से वाच करना, यहां पर ये कॉस एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, ये टू तो कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब फिर इसको यू लोगे, फिर इसको भी लोगे, अगले लाइन में फिर u इंटू वी से दोनों को करोगे, जब अगले लाइन में फिर u इंटू वी से करोगे तो कॉस x साइन x बन जाएगा, आगे जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस x का साइन x हो जाएगा और x स्क्वायर का करोगे तो x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और फिर इंटू फॉर्म में आएंगे और इस तरह से इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखो देखो कितना इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले हमने x और बाद में sin x को लिया तो दो लाइन में इंटीग्रेशन हो गया और इसी फंक्शन को मैंने उलट दिया, u v को मैंने उलट दिया, तो यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर u और v को आप डिफ्रेंशिएशन जैसे बिल्कुल ब्लाइंडली सेलेक्ट नहीं कर सकते कि चलो भाई मैं किसी को u ले लिया, किसी को v ले लिया और इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको U और V का प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन को इस तरह से साइन एस को पहले कास एस को बाद में दे दे, तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, आपको इस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भले आगे पीछे दिया है लेकिन मैं इसको सेकंड फंक्शन सपोज करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको भी सपोज करूंगा इसको, और इसको सपोज करूंगा यू। ये राइट सिलेक्शन है, भले आगे पीछे दिया है लेकिन उसमें आपकी कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी को यू किसी को भी सपोज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो पहले नंबर में दिया उसी को यू सपोज करना है। इसलिए मैं बहुत इस पर स्पेशली डिस्कस कर रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन बताने के बजाय मैं कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसको कोई परेशानी ना आए। तो यदि साइन एक्स इंटू एक्स के रूप में आपको क्वेश्चन को उलट के दे दे, तो आपको साइन एक्स को भी सपोज कर लेना है और इसको यू, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करोगे तो जैसे पहले हुआ था वैसा हो जाएगा। तो ये गलत सिलेक्शन है, ये रॉन्ग सिलेक्शन है, और ये राइट सिलेक्शन है। क्या प्रॉब्लम है, आप समझ गए? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे जाने, कैसे जाने कि कब कौन सा समाप्त होगा कौन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज तक इतने मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट होने के बाद, कैलकुलस में इतना डेवलपमेंट होने के बाद, आज तक कोई ऐसा रूल नहीं बना कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इस फंक्शन को यू सपोज कर लो, इसको भी सपोज कर लो। फिर आप बोलोगे तो फिर पैसा पता कैसे चलेगा? पता करने का सिर्फ दो उपाय है आपके पास। पहला आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस से, जैसे हमको प्रैक्टिस है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इसको यू लूँ इसको भी लूँ। दूसरा, कुछ ट्रिक्स हैं जो 100% ऑथेंटिक नहीं है, कि बिल्कुल वैसा ही आपको फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। आपके साथ मैं वो अभी बताऊँगा कि कुछ हमारे पास आइडिया है जिसके बेस पर हम पहले फंक्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना वो 100% सही नहीं है। वो आपको 90% केस में हेल्प कर सकता है, फिर भी 10% केस में आपका प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस ही आपका काम आएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या प्रॉब्लम होता है ये बताया। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने लिखा है यू और वी का, तो यू और वी के इस फार्मूला में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फंक्शन का सिलेक्शन, कि फंक्शन को हम कब सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देखे होंगे, इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा डिस्कस करूँ, एक्स को हमने यू लिया है और साइन एक्स को भी लिया है, तो आपने एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा होगा इस फार्मूला में कि सेकेंड फंक्शन का यहाँ पर समाकलन होता है। मैं यहाँ पर चिन्ह लगा के रखा हूँ कि सेकेंड फंक्शन का समाकलन होता है, और यहाँ पर आप देखो कि एक्स है, यदि ये सेकंड फंक्शन होता तो एक्स का समाकलन होकर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, मतलब समाकलन फंक्शन को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। और साइन के साथ तो कुछ होना नहीं है, साइन को चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफ्रेंशिएशन करो, एक बार वो कास बनेगा फिर साइन बनेगा फिर कास बनेगा फिर साइन बनेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स को यू सपोज करने से वो डिफ्रेंशिएट होकर समाप्त हो जाता है। जैसे एक्स का पावर 1 है तो अगले लाइन में वो खत्म हो गया, एक्स का पावर 2 होता तो अगले लाइन में 2x और तीसरे लाइन में फिर एक्स खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट फंक्शन को छोटा करते करते समाप्त कर देता है और इंटीग्रेशन फंक्शन को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा देता है। तो यहाँ पर u को सपोज करने से, यहाँ पर u को सपोज करने से दो लाइन में देखो, यहाँ पर u खत्म हो गया, 1 हो गया, अब यह अकेला फंक्शन बन गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट फंक्शन उसको सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब जो आगे डिफ्रेंशिएट होके कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो यह क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि हमको फर्स्ट फंक्शन किसको सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे तो मेन नियम यह है कि आप फंक्शन को देखो, और मेरा जनरल डिस्कशन एक बार आप समझ लेना, फिर उस पर बात कर रहा हूँ। यू और वी आपके पास होता है तो आपको फंक्शन के सिलेक्शन के समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात को ध्यान रखना है वो ये है कि जिसका बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो रहा हो उसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए, जिसका आसानी से इंटीग्रेशन हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे लॉग एक्स, अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपको पता है 1/x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आपको नहीं पता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो कहीं पर लॉग एक्स को आपने भी सपोज कर लिया, अब यहाँ पर उसको भी पुट करके लेके बैठे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो लॉग एक्स को फिर यू सपोज करना चाहिए। इस तरह से हमको फर्स्ट फंक्शन किसको सेलेक्ट करना है ये यदि हम ठीक ठीक जान लें तो दूसरा फंक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक ट्रिक्स है, एक रूल है जिसको हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सपोज करना चाहिए, फॉर सेलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमको सेलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए ट्रिक है इलेट, आई एल ए टी ई, इलेट। इलेट अपन इसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार बता रहा हूँ, यह कोई हार्ड एंड फास्ट, कहीं आप ऐसा बोलो कि सर समझाए थे कि इलेट को फर्स्ट फंक्शन, ऐसा नहीं है। मैं बोला कि उसको करना चाहिए तो आपको हेल्प मिल सकता है। तो इलेट का मतलब क्या है, अब देखो इलेट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इलेट है क्या। इलेट में आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ लाइन देने के बजाय, चलिए आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब इतना समझ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई फॉर इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना चाहिए तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्लियर। इसके बाद एल, एल का मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक मतलब लॉग वाले, जैसे भी मैंने बताया लॉग, लॉग एक्स बोला तो उसको हमको फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना चाहिए, एल फॉर लॉगरिथमिक। क्लियर। ए फॉर अरिथमेटिक या एलजेब्रिक, अरिथमेटिक फंक्शन को हमको फर्स्ट फंक्शन सपोज करना चाहिए। और इसके बाद है टी, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर एक्स के रूप में जो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चरघातांकी, चरघातांकी बोलते हैं हिंदी में, ये ध्यान रखना, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये है हमारे इलेट का सेंस, एक बार और ध्यान से सुनो, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अरिथमेटिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको यदि हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होता है। क्लियर। ये देखो यहाँ पर हमने एक्स को यू सपोज किया है, ये क्या अरिथमेटिक। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं क्वेश्चन लाता हूँ आपके दिमाग में। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स और साइन एक्स दोनों हैं, और एक्स भी यहाँ पर चार्ट में है आपका अरिथमेटिक है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, तब दोनों को फर्स्ट फंक्शन सपोज करने के लिए आप बोल रहे थे, तो बहुत क्रास कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं आपको बताया कि यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कई जगहों में दोनों फंक्शन इसी में से रहेंगे, तब आपको कैसे करना है, तब फिर आपको दूसरा तरीका जो बताया वो समझना है कि इसमें से किस फंक्शन को यू सपोज करें जो आगे डिफ्रेंशिएट होते होते ख़त्म हो जाए। जैसे मैं एक्स को यू सपोज किया तो डिफ्रेंशिएट होके ये वन होके फंक्शन से गायब हो गया, लेकिन इसको सपोज कर रहा हूँ तो खत्म ही नहीं हो रहा है, साइन का कास, कास का साइन, साइन का कास हो जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे अपने एक्सपीरियंस। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आज के डाउट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा।
देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनएकेडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके थैंक यू। पर डिस्कस किया और मैंने कोशिश किया कि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से बता सकूं, इतने में आप समझ गए होंगे और बाकी आपको जितना आपको नॉलेज मिलेगा वो क्वेश्चन। वैसे एक बात मैं आपको फाइनली बता दूं, मैथमेटिक्स दुनिया का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, कितने भी अच्छा राइटर का आपके पास बुक हो, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे अच्छा कमांड नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में कमांड करने का एक ही फार्मूला है, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। जबकि फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट के लिए हमको बहुत ज़्यादा किसी के दूसरे का टीचर का हेल्प का जरूरत, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में कोई आपको थोड़ा सा समझा दे, बता दे कि भाई ये मेथड है, फार्मूला है, ये लर्न कर लो, ऐसे ऐसे बनता है, दो क्वेश्चन टीचर आपको बता दिया, उसके बाद आपने उसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया उतना आपका स्किल डेवलप होगा, उतना कमांड होगा, उतना आप ज़्यादा फास्ट वर्क कर पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स के हर क्लास में मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ प्रैक्टिस करने पर। तो आज भी मेरा आपको यही कहना है कि इस पर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इलेट विलेट का क्या है, तो इनिशियल स्टेज में आपको समझाने के लिए है, शुरुआत में कुछ दिनों के बाद इलेट विलेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हमको इंटीग्रेशन करना इलेट विलेट में नहीं जाता, तो देख के पता चल जाता है इसको यूज को भी सपोज करूँ फटाफट हो जाएगा। वो कहाँ से आया? प्रैक्टिस से आया। जैसे आप फंक्शन देखोगे इमीडिएट दिमाग में क्लिक करेगा, इसको यू लूंगा, इसको भी लूंगा, यदि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया। ओके चलिए, तो आज के क्लास में मैं 2-4 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊँगा जो बिल्कुल अलग टाइप का है और जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। जनरली मैं अपने मैथ्स का क्लास को इसी तरह से आपको प्रोवाइड कराता हूँ, पता है पहला जो क्लास होता है बेसिक चीज़ों पर और इजी क्वेश्चन पर होता है, फिर उसके और आगे के पार्ट को फिर मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ, ये पढ़ने का तरीका है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ आपको कराने के लिए। ओके एक क्वेश्चन है साइन एक्स, तो मैं आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कोई भी प्रैक्टिस के लिए। सपोज एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एनसीईआरटी के कुछ इजी क्वेश्चन पहले लेते हैं अपन। आई इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत आसानी से अभी आपको। मैं सबसे पहला तो मेरा काम है कि प्रैक्टिस पर आपको फार्मूले पर वैल्यूज को प्रैक्टिस करना सिखा दूँ कि कहाँ यू वी कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये एक्स है और ये ई टू द पावर एक्स है, यहाँ से आप सोचना स्टार्ट करो कि भाई यू वी किसको लें। इसको तो यू लेने का मतलब नहीं तुरंत सा साइन एक्स की तरह ई टू द पावर एक्स टू द पावर ई टू पावर एक्स तो खत्म ही नहीं होना है उसको, और एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वो तो स्वाभाविक। अच्छा देखो जनरली स्टूडेंट करते क्या हैं, जब उनको प्रॉपर प्रैक्टिस में पहला जो दिखा उसको सीधा यू सपोज कर लिया, दूसरा को भी और फटाफट करना शुरू कर दिया। बाय द वे प्रॉपर क्वेश्चन उस ऑर्डर में है तब तो बन गया। इस क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स को पहले लिख दूं और एक्स को बाद में लिख दूं और आप ऐसा यू भी सपोज कर लो कभी नहीं बनेगा फिर, तो थोड़ा ध्यान में रखना है उसको ना। तो ये हमने यू सपोज कर लिया इसको और इसको भी सपोज कर लिया, इजी क्वेश्चन है, मैं बस फार्मूला अप्लाई करना आपको सिखा रहा हूँ। दैट इक्वल फर्स्ट फंक्शन माने यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, बिल्कुल दो लाइन का है लेकिन पहले आप फार्मूला अप्लाई करना तो सीखो ठीक है। दैट इक्वल एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो वन हो गया, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ये हो गया डी एक्स। दैट इक्वल एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इसका फिर इंटीग्रेशन वी टू द पावर एक्स,
बस ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस सी आंसर है, ज़्यादा होगा तो ई टू द पावर एस में कॉमन कर लो, एक्स माइनस वन प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको फार्मूला के, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। देखो इजी क्वेश्चन करना भी जरूरी, कई बार स्टूडेंट समझते हैं इतना इजी क्वेश्चन का, ऐसा नहीं, इजी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो, उससे आपको दो तीन फायदे हैं। पहला फायदा कि आप फार्मूला को प्रॉपर अप्लाई करना सीखेंगे, दूसरा फायदा यह है कि आपको उसको आसान होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और सबसे पहला चीज़, बेसिक चीज़ आपका क्लियर होता है, कल के लिए फंक्शन जब डिफिकल्ट होते जाएंगे तो धीरे 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 आपको हो जाता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये छोटे क्वेश्चन भी कम मार्क्स के आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ इसमें सब इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत आसान से क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सब आपसे बन जाएंगे। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जाता हूं। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पर डिस्कस करने का भी मतलब नहीं है, बाकी आपसे बन जाएगा मुझे मालूम है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये पहले से बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। यह है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, पहले ही आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डीएक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्यों ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये तो अकेला फंक्शन है सर, इसमें u इंटू वी कैसे लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है। यहाँ पर ये log x अकेला है, नेचुरली वह अकेला है, उसके साथ u और v दो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 क्रिएट करना पड़ेगा, इंटू 1 लिखना पड़ेगा, और वह भी v के फॉर्म में। क्यों? अभी इलेट में मैंने आपको बताया कि इलेट में आता है लॉगरिथमिक फंक्शन आता है एक, और लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा यू सपोज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये यू सपोज करेंगे, और इसके साथ में हम लेंगे इंटू वन, ये इंटू वन इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू वन जो लेंगे उसको फिर कैसे करेंगे, देखो ये लॉग एक्स को यू सपोज करोगे और वन को वी सपोज करोगे। ये इस क्वेश्चन का की सबसे खास बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ स्टूडेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लॉग एक्स का फंक्शन कभी भी मिले तो उसके साथ इंटू वन करना है, और एक्स लॉग एक्स हो तब तो सवाल ही नहीं है, उसके बाद यू भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं वैसा भी क्वेश्चन एक बता दूंगा आपको। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर। फर्स्ट, अब आसान है, फर्स्ट फंक्शन मीन्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो किसको ले लिए, वन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसका होल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, क्लियर, दैट इक्वल। अब आगे देखो, ये है लॉग एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स होगा, और माइनस यहाँ पर देखो लॉग एक्स का हो जाएगा, लॉग एक्स सॉरी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, और इंटू वन का होगा एक्स डीएक्स। देखो कैसा सेटिंग हो गया क्वेश्चन का, ये एक्स और डीएक्स, एक्स वन अपॉन एक्स, एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इस क्वेश्चन की खास बात है। तो लॉग एक्स, अब इसको हम इसको पहले लिख लेते हैं, एक्चुअल में ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, लॉग एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जैसा, कई बार ऐसा आता है एक्स इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉग एक्स अलग है, इंटू एक्स अलग है, इसलिए मैं एक्स को सामने लिखता हूँ, x इंटू लॉग एक्स माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचा, दैट इक्वल इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स माइनस, ये हो जाएगा x प्लस सी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x को इसमें से कॉमन कर लेंगे, दैट इक्वल x को कॉमन कर लिए तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोटिस करना, ध्यान रखना, x इंटू लॉग एक्स माइनस वन क्या आंसर देता है, x इंटू लॉग एक्स, एनसीईआरटी में और उसको थोड़ा घुमा के लिखा है क्वेश्चन को,
जरूरत नहीं है लेकिन लिखा है ऐसा, ई के फॉर्म में लिखा है। चलिए मैं भी रहा, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि आंसर तो नहीं आया, तो इंटीग्रेशन का इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है आंसर, वाह ठीक, चलो ऐसा, या इसको क्या लिख सकते हैं, हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ अलग कलर, x इंटू लॉग एक्स माइनस वन को हम लिख सकते हैं लॉग ई, क्या जरूरत है ऐसा करने का, चलो ठीक है। वन को क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई टू द बेस ई वन होता है, और दैट इक्वल इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग एम अपान एन, तो लॉग x अपान ई प्लस सी, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। x log x अपान ई प्लस सी, ओके। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, log x, ओनली log x, तो इंटू यहां पर सपोज करना पड़ेगा क्योंकि इंटू वन हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन में और लॉग पर आपको बता दूं, तो कंपेरेटिव आपका दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x। अब यहां पर देखो, यहां इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर फटाफट आपको क्वेश्चन मिला, जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले को यू सपोज और दूसरा को भी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं लॉग का, उसके बाद फिर स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं। तो यहां पर x इंटू लॉग बात में आता है कि इसको मैं यू ले लूं, इसको भी ले लूं, क्योंकि पहले रहता है उसको यू ले लेते हैं अपन, लेकिन तब यहां पर ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? फिर आपका तर्क होगा कि सर x को u सपोज करने से तो एक बार में वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगा, यहां पर जो log x को आप इंटीग्रेशन में लिख दोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे फिर, तो वहां पर फिर उसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर आपको वन इंटू करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आगे पीछे हैं, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको u लेना है और इसको भी लेना है, बाद वाले को u लेना है। ये इलेट का फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। चलिए अब ऐसा करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो दैट इक्वल, अब ये हमारा क्या है, u है, तो हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ log x। यही एक क्वेश्चन है जहां आपको समझ में आ रहा है कि हमने उल्टा u भी सपोज किया है, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इसका होल इंटीग्रेशन, ये dx हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया log x इंटू x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर अपन 2, और माइनस यहां पर log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपन x, और x का इंटीग्रेशन यहां पर x स्क्वायर अपन 2, और ये dx, दैट इक्वल इसको पहले लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस यहां पर देखो 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कटेगा और बच जाएगा x dx। अब फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इक्वल x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, और x का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दैट इक्वल दोनों में से x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है, या x स्क्वायर अपॉन 2 को हम कॉमन कर लें तो यहाँ से क्या बचेगा, log x और माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी, या इसको भी कॉमन कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं उसे, तो 1 अपॉन 4 हो जाता है। यहाँ पर क्या आंसर देता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन भी नहीं किया प्लस सी, ओके ठीक है, जैसा भी है इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में आंसर को इसी फॉर्म में लिख दिया है। आंसर के लिए आप परेशान नहीं होना, आप ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसी फॉर्म में दे सकते हो। ये देखो, तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या रहा कि हमने उल्टा सपोज किया, बाद वाले को यू और पहले वाले को भी, इसीलिए मैंने आपको इलेट समझाया था कि किस तरह से हम क्या करते हैं इलेट। तो ए क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसलिए हमने इसको यू सपोज किया, और एक्स को भी क्यों सपोज किया, उसको आसानी से इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न में sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, फिर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके। लेकिन एक ही वीडियो में यदि मैं पूरे टाइप के इंटीग्रेशन में पार्ट्स को समझा दूं तो आपके लिए कन्फ्यूजन का मैटर हो जाएगा, इसलिए मैं सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा इसके बाकी क्वेश्चन, और तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूँ
कि जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया फंक्शन सेलेक्शन का, उसको बहुत ध्यान से वीडियो को रिपीट कर करके देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।